हफ्ते में एक बार और 3 महीने के लिए लगा लीजिए इस फेस पैक को, आपकी स्किन होगी टाइट एंड ब्राइट। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे घरेलू फेस पैक के बारे में जिसे अगर आप रेगुलरली लगाते हैं और हफ्ते में एक बार लगाते हैं और लगातार 3 महीनों के लिए लगाते हैं, तो डेफिनेटली आपके चेहरे की जो ढीली हो गई है स्किन वो टाइट हो गई। आपके चेहरे के ऊपर अगर पिगमेंटेशन है, झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, सनबर्न है या अनइवन स्किन है, उन सब में भी आपको फायदा होगा, और बशर्ते आप इस चीज को रेगुलर फॉलो करें। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक हफ्ता लगाते हैं, 2 हफ्ता लगाते हैं, और उसके बाद जब उन्हें 1 या 2 हफ्ते में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो वो थक हार करके उसे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि जो नेचुरल चीजें हैं उन्हें असर दिखाने में समय लगता है, और अगर आप उसको समय नहीं देंगे, उतना पेशेंस नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो आपको प्रॉपरली नहीं मिलने वाला है। तो जरूर इसे रेगुलरली फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि ये रेमेडी आपके चेहरे पर क्या कमाल दिखाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि सब कुछ होने वाला है आपके किचन में अवेलेबल चीजों से ही। तो आपकी स्किन को अगर आप बनाना चाहते हैं ब्राइट एंड टाइट तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको काम करेगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरो थेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोज को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों कुछ चीजें समय के साथ हमें प्रकृति से गिफ्ट मिलती हैं और उसमें से एक होता है बुढ़ापा। स्किन पे आने वाले रिंकल्स, स्किन पे आने वाली फाइन लाइंस, ओपन पोर्स, स्किन का ढीला होना, स्किन में सैगिंग आना, ये कुछ ऐसे नेचुरल सिम्टम्स हैं जिनको 100% रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम सही तरीके से काम करें और अपने चेहरे के साथ साथ अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी एक्सरसाइज, अपने ध्यान, अपने मेडिटेशन पर भी अगर काम करें तो डेफिनेटली इस आने वाली एजिंग की स्पीड को कम किया जा सकता है। मतलब कि हम एजिंग की स्पीड को डिले कर सकते हैं, एजिंग को डिले कर सकते हैं। एंड यही एक इंपॉर्टेंट चीज मैं हर बार हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि आप सिर्फ बाहर से चीजें ना लगाएं बल्कि अपने डाइट को अच्छा करें, अपनी डाइट में पौष्टिक आहार लें जिसमें बीजों का, फ्रूट्स का, सब्जियों का एक समुचित आहार बैलेंस होना चाहिए, अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन करें, अपना मेडिटेशन करें ताकि आपकी स्किन को आप परमानेंटली हेल्दी एंड ग्लोइंग बना सके। चलिए आते हैं आज के इस होम रेमेडी के ऊपर। तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको 6 चीजों की जरूरत होगी और ये 6 चीजें आपके घर में अवेलेबल हैं। पहली जो चीज चाहिए दोस्तों वो हमें चाहिए ग्रीन हरी पत्ती वाला धनिया, तो मतलब जो फ्रेश धनिया जो रहता है वो चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हमें तो सर्दियों में नहीं मिलता है, गर्मियों में मिलता है, हमारे एरिया में नहीं मिलता। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अराउंड इट। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको धनिया मिलता है उस धनिया की पत्तियों को छांव में सुखा करके आप पाउडर बना के रख लीजिए, वो भी आपको यहां पर काम करके देगा। तो अगर आपके पास फ्रेश पत्तियां अवेलेबल हैं आप फ्रेश पत्तियां यूज कर सकते हो, अगर आपके पास फ्रेश पत्तियां नहीं है तो पत्तियों को सुखाकर बनाए गए पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब क्या होता है धनिया के अंदर, धनिया के अंदर एक केमिकल होता है या एक एंजाइम होता है जिसको कैपिकर कहा जाता है। यानी कैपिकर नाम का जो एंजाइम है ये आपकी स्किन की एजिंग को डिले करता है। आपकी स्किन के जो रिंकल्स हैं, आपकी स्किन के जो फाइन लाइंस हैं, आपकी स्किन के जो ढीलापन है उसको वापस से ये रिजुविनेट करता है, रिवाइटलाइज करता है, जिससे स्किन वापस से लिफ्ट करना शुरू हो जाती है। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट हमें यहां पर लेना है वो लेना है लगभग आधा चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बहुत सारी ब्रांड्स का आता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और मिल्क पाउडर के अंदर क्योंकि लैक्टिक एसिड होता है तो ये आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। तो लैक्टिक एसिड आधा चम्मच डालेंगे, मतलब कि मिल्क पाउडर हम आधा चम्मच डालेंगे, धनिया का जो पाउडर लिया है हमने या धनिया पत्ती जो ली है उनको कुल मिलाकर के 1 चम्मच के आसपास हमें वो लेना है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों हमें यहाँ पर वो चाहिए बेसन। बेसन के अंदर हमारी स्किन को डीप क्लीन करने की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से जो बेसन है वो एक बहुत ही बढ़िया क्लिंजर माना जाता है। एज के साथ साथ हमारी स्किन से जो डेड सेल्स चिपकने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत तेज हो जाता है और डेड सेल्स चिपकने की वजह से ही हमारी स्किन धीरे धीरे लटकने लगती है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने चेहरे पर चिपके हुए डेड सेल्स को निकालें। तो इन डेड सेल्स को निकालने के लिए हम यहाँ पर बेसन इस्तेमाल करेंगे। तो आधा चम्मच के आसपास हमें यहाँ पर बेसन लेना है।
नंबर चार जो इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों वो चाहिए शहद। अब शहद जो है ना मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट भी है। रीजन, क्योंकि एज के साथ साथ जब हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चर खत्म होने लगता है तो शहद एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। क्योंकि शहद एक बहुत अच्छा ह्यूमक्टेंट माना जाता है, जो कि आपकी हवा में जितना ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको आपको खींच करके आपकी स्किन को प्रोवाइड कराता है। तो लगभग आधा चम्मच हम यहां पर लेंगे हनी। नंबर चार जो पांच जो चीज चाहिए दोस्तों वो चाहिए दही। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है आप दही को स्किप कर दोगे। दही जो है वो फ्रेश होना चाहिए, मीठा नहीं चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोग जो विशेषकर जो बंगाल के जो लोग हैं मीठी दही डालें क्या, नहीं, दही आपको नॉर्मल लेनी है, मीठी दही नहीं लेनी है। एंड आधा चम्मच आप दही डालेंगे। ऑयली स्किन है, एक्ने वाली स्किन है, आप दही नहीं डालोगे, स्किप कर दोगे। क्योंकि यहां पर जो दही होती है उसके अंदर थोड़ा सा फैट भी होता है जिसकी वजह से आपके एक्ने बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन नॉर्मल है, इट्स वेरी गुड एंड इट कंटेन्स लैक्टिक एसिड जो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग एंड लिफ्टिंग इफेक्ट देता है। नंबर लास्ट जो आएगा वो आएगा पानी या रोज वाटर। अब इसको आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऐड करना है ताकि ये जो सारी चीजें आपने मिलाई हैं, क्या क्या मिलाया है, धनिया पत्ती या धनिया का पाउडर, फिर दूसरी चीज आपने क्या डाली है, मिल्क पाउडर, तीसरी चीज क्या डाली है, बेसन, चौथी चीज क्या डाली है, शहद, पांचवी दही, एंड छठा अगर आपको लगता है कि इसको बहुत गाढ़ा हो गया और थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन करने के लिए, थोड़ा सा लिक्विड बनाने के लिए पानी चाहिए, पानी ऐड कीजिए, या रोज वाटर डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। इन छह चीजों को अच्छे से मिलाइए, पूरे फेस पर अपलिफ्टिंग मूवमेंट में चलाइए, इसको ऊपर करके लगाइए। क्योंकि जब आप इसको ऊपर करके लगाते हो तो आपकी स्किन में आधे घंटे या एक घंटा जब आप इसको छोड़ोगे आपकी स्किन की जो मसल्स हैं वो इसी डायरेक्शन में लिफ्ट होती हैं। एंड यही हमें चाहिए क्योंकि सैगिंग के बाद यहां पर स्किन नीचे आने लगती है, यहां से नीचे गाल नीचे आने लगते हैं। सो बहुत जरूरी है कि आप इसको ऊपर की तरफ लगाएं, और जब आप इसको लगाते हैं प्रॉपरली आंखों पर भी लगाएं। बिकॉज आंखों के आसपास होने वाले क्रोज फीट, आंखों के ऊपर होने वाली यहाँ पे ड्रॉपीनेस, इस पर भी हमें काम करना है। तो आंखों पर भी लगाएं, कुछ ड्राइनेस नहीं होगी, बिल्कुल परेशान ना हो। आधे घंटे, पौना घंटा, एक घंटा छोड़िए इसे आराम से, और इस बीच में एक अच्छी सी नींद लीजिए, ठीक है, लेकिन सीधा ही लेटना पड़ेगा या चेयर पे लेटना पड़ेगा। और उसके बाद में जब आधा पौना घंटा हो जाए इसे ठंडे पानी से वॉश कीजिए। अगर ठंडा पानी आपको सर्दियों में ज्यादा ठंडा लगता है तो टैप वाटर यूज कीजिए, बट ल्यूकवॉर्म वाटर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह से जब आप इस फेस पैक को हफ्ते में एक बार और महीने में चार बार, मतलब कि एक हफ्ते में एक बार, 3 महीने तक करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन के प्री एंड पोस्ट, बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स निकाल के रखिएगा। एंड प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी होता है, वहां पर हमें आके बताइए कि सर देखो पहले ऐसा था अभी ऐसा है, सो दैट ऑल्सो वी कैन गेट द कॉन्फिडेंस कि हम जो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, हम जो आपके साथ ये वीडियो कंटेंट शेयर करते हैं उससे आपको कितना फायदा होता है। सो प्लीज डू शेयर विद अस ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, हमें भी मोटिवेशन मिले, और अगर हमें लगा कि हम उसको कम्युनिटी में पोस्ट कर पाएंगे आपकी परमिशन के साथ में, तो डेफिनेटली हम उसे कम्युनिटी में भी पोस्ट करेंगे जिससे बाकी लोगों के भी कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो सकेगी, राइट? सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो जो मैं अपने टूर्स के दौरान रेडी कर रहा हूं, देखो आप बैकग्राउंड पूरा चेंज है, राइट? सो टूर्स के दौरान जो रेडी कर रहा हूं आपको पसंद आए होंगे। एंड अगर पसंद आया है तो आप हमें एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ये परिवार बहुत ही जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के फिगर को टच करने वाला है। प्लीज 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 शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि हम इस परिवार को जल्दी से जल्दी 1 मिलियन तक ले जा सकें, और उसके बाद अगला टारगेट 2 मिलियन। सो प्लीज हेल्प कीजिए इस चैनल को ग्रो करने में, क्योंकि इस चैनल का मकसद है आपके स्वास्थ्य, आपकी खूबसूरती में बढ़ोतरी करना और आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी लाना। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग बहुत समय से जुड़े हैं वो इस चीज को महसूस भी करते होंगे कि आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। सो प्लीज 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 अपना प्यार दीजिए इस चैनल को, फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखने तो हमें फॉलो कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस किए बगैर आराम से देख सकें। आपका प्यार आप इसी तरह से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।